वेलकम एरू वॉन्ट दिस ब्रांड न्यू वीडियो और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप पी एच पी के अंदर कॉमेंट्स को कैसे लिखते हो नागॉइज बिफोर स्टार्टिंग मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आई हैव अ डिफरेंट चैनल कोल्ड कोड इजी अकेडमी जहाँ पर आपको और भी कोडिंग से रिलेटेड वीडियोज़ मिलने वाली है प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दैट चैनल एंड लेट्स बिगिन तो कोई भी जब भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो ना तो आप बहुत सारा कोड लिखते हो ठीक है अब जब भी आप उस कोड को लिखते हो तो एक मेन इशू होता है और वो मेन इशू ये होता है कि बहुत सारा कोड वहाँ पे हो जाता है ठीक है तो आप एक बेस्ट प्रैक्टिस हमेशा मानी जाती है कि जब भी आप कोड लिख रहे हो ना तो जब आप कमेंट करते हो ना कोड को तो इट्स बेटर ठीक है तो पीच में मैं आप कॉमेंट कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ तो अभी मैं क्या करूँगा कि मेरा जो एच वाला कॉन्टेंट है ना ये सब यहाँ से रिमूव कर देता हूँ आई होप आपको सभी कुछ दिख रहा होगा ठीक है इसको मैं फर्स्ट लाइन पर ले लेता हूँ इसको भी मैं यहाँ ले लेता हूँ ठीक है और यहां पे मैं कमेंट लिखने के लिए आपको क्या करना होगा स्लैश लगाने होंगे दो बार स्लैश लगाना होगा और यहां पे जो भी आपको कॉमेंट लिखने ना वो आप यहां पे लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल दिस इज इको स्टेटमेंट स्टेटमेंट ठीक है अगर आपको नई लाइन पे कमेंट करना है तो आप ये कर सकते हो दिस इज दिस इज अनादर कॉमेंट uh, ठीक है इस तरीके से आप एक और नई कॉमेंट लिख सकते हो और इफ यू वॉन्ट टू टेक दिस टू नेक्स्ट लेवल आप uh, नीचे आकर कमेंट कर सकते तो बेसिकली कमेंट एक वो चीज़ होती है जो आपको याद रखने के लिए होती है ये चीज़ जो भी ये आपको कहीं भी आ, रन नहीं होगी कोड में रन नहीं होगी अगर मैं इसको रन कर इसको सेव करूं और अगर मैं यहाँ आकर इसको रिफ्रेश करूं तो आप देखोगे हेलो वर्ल्ड इन पीएचपी ठीक है तो कॉमेंट्स जो होती है ना सिर्फ आपको याद रखने के लिए होती कि आपने क्या कोड लिखा है तो हमेशा इससे बेस्ट प्रैक्टिस कि आप कॉमेंट्स को लिखें बट एक और चीज का ध्यान रखना है कि कमेंट्स लिखने का बोल रहा हूं कि तो यह मतलब नहीं है कि आप कुछ भी मतलब वहां पे आपका जो मन करे वो कमेंट्स लिखो कोर्ट से ज्यादा कमेंट्स हो तो हमेशा आपको लिमिटेड कमेंट्स लिखना है ठीक है तो ये एक तरीका मैंने बताया था अब फॉर एग्जांपल मुझे चार लाइन यहां पर लिखनी है ठीक है मैं दिस इज ए फंक्शन ठीक है फंक्शन की स्पेलिंग दिस इज अ फंक्शन दिस uh, इज another फंक्शन ठीक है ऐसे आपको लिखना है तो आप क्या करोगे बार बार ये स्लैश लगाओगे डबल स्लैश लगाओगे अगर आपको मल्टीपल लाइंस में कमेंट करना है ना तो उसको करने का एक और आसान तरीका है और उसको करने का तरीका ये है आप ये लगाओ और स्टार लगाओ ठीक है और आपको जो भी कमेंट लिखनी हो ना और नीचे वाली लाइन पे आता हूँ मैं स्टार लगा के फिर ये लगा दो और जो भी कॉमेंट लिखनी है ना इसके बीच में आप वो कॉमेंट लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए टेस्ट दिस इज अनादर कॉमेंट एंड दिस इज न्यू तो अगर मल्टीपल लाइन्स में अगर आपको कॉमेंट लिखनी है तो आपको ये लगाना होगा स्लैश लगाना होगा फिर आपको एस्टरिस्क लगाना होगा एस्टरिस्क आपको कहाँ मिलेगा एट जो होता है वहां पे मिलेगा और नम पैड में आपका जो कॉर्नर पे जो माइनस का साइन है उसके पास आपको मिल जाएगा तो इस तरीके से आप मल्टीपल लाइंस में आप कमेंट कर सकते हो तो आप चाहो तो उसको और बेटर बनाने के लिए पॉइंट जैसा दिखाने के लिए यू कैन डू समथिंग लाइक दिस ठीक है तो कमेंट्स का इज बहुत इंपॉर्टेंट है और जब भी आप कोड लिखते हो तो एक्सप्लेन करने के लिए आपने क्या चीजें लिखी है तो मैक्सिमम टाइम आप इसका यूज करोगे ठीक है तो एक तरीका यह है अब आप क्या कर सकते हो कॉमेंट्स को है ना फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे लिखा है तो इस लाइन के पीछे भी आप कॉमेंट लिख सकते हो वो आप कैसे लिखोगे उसको लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको दो बार स्लैश लगाना है और दिस इज द कोड लाइन ऐसे भी आप कमेंट कर सकते हो जरूरी नहीं कि आपको ऊपर से लेके नीचे तक जाना है इस तरीके से भी आप कमेंट कर सकते हो तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कमेंट्स को कैसे लिखते हैं uh, ये हमारी कुछ बेसिक सी वीडियोस थी आने वाली वीडियोस में हम और भी एडवांस चीजें सीखेंगे सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू सब्सक्राइब वीडियो को लाइक like करो एंड प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो एंड आई विल गोइंग टू सी यू घाइज इन नेक्स्ट वीडियो बाय बाय